हाय गाइस, तो आज हम करेंगे ब्लैक स्मोकी आईज बहुत आसानी से। सबसे पहले मैं अपनी आईब्रो बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारे एक्स्ट्रा बाल हो गए थे। आई एम यूजिंग दिस कार्मेसी आईब्रो रेजर, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इजिली इससे घर पे आराम से आईब्रो बना सकते हो। एंड मैं थोड़े से सेंटर से बाल नहीं भी निकाल रही हूँ क्योंकि काफी ज्यादा हो गए थे मेरे बाल, एंड साइड से भी निकाल रही हूँ कुछ एक्स्ट्रा बाल। मतलब पूरी शेप नहीं दे रही हूँ ऊपर नीचे से, बट सिर्फ एक्स्ट्रा बाल मैं यहाँ से निकाल रही हूँ। तो मैंने कुछ फोरहेड के भी एक्स्ट्रा बाल निकाल दिए। उसके बाद हम आज लेंसेज लगा रहे हैं। आई एम ट्राइंग दीज ब्राउन लेंसेज। वैसे तो मेरी आंखें ऑलरेडी ब्राउन है लेकिन मैंने ब्राउन वाले ट्राई किए, तो इससे क्या होता है कि आपका आईबॉल थोड़ा सा बड़ा लगता है देखने में, आंखें थोड़ी सी बड़ी बड़ी अपीयर होती हैं, तो इसलिए मैंने ट्राई किया। मतलब थोड़ा सा पानी आता है ऑब्वियसली, बट अच्छा लग रहा है। मतलब थोड़ा डिफरेंट सा लुक आ रहा है, बड़ी बड़ी आंखें लग रही हैं। और अब मैंने उसके बाद यहाँ पर यूज़ किया है फिट मी कंसीलर, एंड ये मैं यहाँ पर सबसे पहले आई मेकअप ही कर रही हूँ क्योंकि आज हम स्मोकी आई करने वाले हैं, तो पहले फेस के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम आई मेकअप ही करेंगे। तो मैंने अच्छे से यहाँ पर ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको सेट कर लिया है। एंड आप यहाँ पर पाउडर ना अप्लाई करें बिकॉज आपको जब कलर पे ऑफ है वो अच्छा नहीं आता अगर आप पाउडर अप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लाइट ऑरेंज शेड लिया है अपने क्रीज एरिया में, उसे एक अच्छे से बेस की तरह अप्लाई कर लिया है यहाँ पे क्योंकि हम डार्क कलर्स के साथ प्ले करने वाले हैं, तो ट्रांजिशन शेड बहुत जरूरी है। एंड उसके बाद मैंने डार्क ब्राउन कलर लेके क्रीज में अप्लाई करना स्टार्ट किया और ब्लेंडिंग स्टार्ट कर ली। जब आप ट्रांजिशन शेड के साथ डार्क शेड को ब्लेंड करते हो तो ब्लेंडिंग ज्यादा आसान होती है और क्लीन और ग्रेडियंट लुक आता है। उसके बाद मैंने अच्छे से ब्राउन अपने पूरे क्रीज पर अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। इंटेंस डार्क ब्राउन कलर लेना है आपको यहाँ पर, पूरे क्रीज पर अच्छे से उसे अप्लाई कर लेंगे। एंड ब्लेंडिंग हम बाद में करेंगे, इसमें पहले हम इसमें कलर ही अप्लाई कर रहे हैं जस्ट फॉर दैट परफेक्शन की, जिससे शेड अच्छी आ जाए हमारी। एक साफ ब्रश से ऊपर की तरफ मैंने उसे ब्लेंड कर लिया इस तरीके से, एक लाइट शेड लेकर उसमें, जिससे क्लीन लुक आए थोड़ा सा। उसके बाद मैंने ब्लैक शेड लेके यहाँ पे अपनी आईलेट पर अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। थोड़ा प्रिसाइसली से अप्लाई करेंगे जिससे कि पैचेस ना आए और थोड़ा सा क्लीन लुक आए। तो इस तरीके से मैंने इसे अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है। एंड हम इसे धीरे धीरे बिल्डअप करेंगे ब्लैक कलर को, क्योंकि अगर आप ब्लैक एकदम ज़्यादा लगा लेंगे तो अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा अभी लगाना स्टार्ट किया है। और मैं हल्का हल्का ब्लेंड कर रही हूँ क्रीज एरिया में, जिससे थोड़ा सा स्मूथ कलर आए हमारे आई शेडो का। तो यहाँ पर आप हल्का सा ब्राउन शेड लेके इसमें मिला सकते हो। उसके बाद मैंने थोड़ा सा यहाँ पर पर्पल 24K गोल्ड प्राइमर लिया है एंड उसे अप्लाई कर रही हूँ मैं अपने फेस पे अच्छे से, जिससे क्या होगा सारे पोर्स थोड़े मैटिफाइड लगेंगे एंड स्मूथ थोड़ा सा लुक आएगा एंड काफ़ी आसानी हो जाती है उसके बाद जब आप फाउंडेशन अप्लाई करते हैं। तो उसके बाद मैं यहाँ पे फिट मी कंसीलर अगेन यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हमने डार्क आईज़ की हैं, तो यहाँ पे कंसीलर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है अंडर आई एरिया में, वरना वो थोड़ी डार्क अपीयर होती है और पफिनेस ज़्यादा दिखाई देती है। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले ये कंसीलर लगा लिया है, थोड़ा सा नोज़ पे, थोड़ा सा अपने चिन एरिया पे, थोड़ा सा फोरहेड पे भी लगाया हल्का सा। आई एम यूजिंग दिस स्टे क्वर्की लिक्विड फाउंडेशन जो कि बहुत स्मूथ फॉर्मुलेशन है, इसको अप्लाई करना आसान है और मैं इसी को लगा रही हूँ साथ साथ में। हम इसे साथ साथ ब्लेंड करेंगे जिससे एक अच्छा कलर आता है। तो मैंने उसको अच्छे से पूरे फेस पे ऐसे फिंगर से अप्लाई कर लिया है। उसके बाद हम उसकी ब्लेंडिंग स्टार्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर, और इसको ब्लेंड करना है अच्छे से। थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको क्योंकि कंसीलर भी है साथ में, लेकिन लुक काफ़ी अच्छा आता है, इट्स वर्थ इट। तो आपको ट्राई करना चाहिए थोड़ा सा टाइम देके अच्छे से ब्लेंड कर लें अपने फेस पर उसको। उसके बाद मैं अंडर आई एरिया में उसको ब्लेंड कर रही हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से करें। आप चाहे तो यहाँ पर कोई प्रिसाइज ब्रश भी ले सकते हैं एक क्लीन लुक के लिए, एंड अच्छे से आप ब्लेंड कर पाएंगे, मैस नहीं होगा आपका मेकअप। देन आई एम यूजिंग NYBay कॉम्पैक्ट पाउडर एंड इट्स वेरी इजी टू अप्लाई, इसका जो एप्लीकेटर है काफ़ी अच्छा आता है। तो उससे मैंने अंडर आई एरिया को सेट कर लिया है अच्छे से। अंडर आई में थोड़ा सा ज़्यादा लगाएंगे क्योंकि क्रीजिंग उससे क्या होती है कंट्रोल हो जाती है, सो एरिया क्रीज नहीं करेगा अंडर आई वाला। उसके बाद मैंने पूरे फेस पर उसे अच्छे से अप्लाई कर लिया है, अपनी नोज़ के पास भी अच्छे से अप्लाई करेंगे जिससे कि बाद में यू नो कोई ऑयली लुक ना आए एंड मैट रहे हमारा फाउंडेशन। देन आई एम यूजिंग दिस स्टे क्वर्की ब्लश विच इज़ इन पिंक कलर, एंड ये मैंने अपने चीक बोन पर अच्छे से अप्लाई कर लिया है। थोड़ा सा डार्क रखा है, साइड्स में इंटेंस रखा है उसको, जिससे कि एक लुक अच्छा है, कलर हमारे फेस पर एक अच्छा दिखाई दे। एंड उसी सेम ब्रश को मैं यहाँ पर हल्का सा कॉन्ट्रोल के लिए भी यूज़ कर लेती हूँ जनरली अपने फोरहेड पर और चिन पे, क्योंकि एक हल्का सा कलर आ जाता है। आई डोंट डू अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रोलिंग, तो मैं उसी से थोड़ा सा कलर अपने फेस पर ऐड कर लेती हूँ। अब मैं ब्लश को ब्लेंड करने के लिए ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ सो दैट इट कैन बी ब्लेंडेड ईजिली। अब हम अपने आई लैशेज़ को कर्ल करेंगे। तो आज मैं कोई भी यहाँ पर
फॉल्स लैशेज नहीं लगाने वाली हूँ क्योंकि मतलब मैंने लेंसेज लगाए हैं, सो आई डोंट वांट टू पुट इट। अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा लुक आता है। उसके बाद हम यहाँ पर आई लाइनर अप्लाई कर रहे हैं यूजिंग अ जेल आई लाइनर। स्मोकी आइज पे जेल लाइनर लगाना बहुत ज़रूरी है बिकॉज उससे ही वो इंटेंस और ब्यूटीफुल सा लुक आता है। एक लाइनिंग आपकी आंखों के ऊपर जब आएगी ब्लैक की तो ही वो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपका लुक। मैंने थोड़ा सा मोटा लाइनर रखा है और साइड में एक छोटू सा विंग बना लिया एकदम नन्ना सा। ब्राउन आइज के साथ ब्लैक स्मोकी आई बहुत अच्छा लगता है, तो आप लेंसेज ट्राई कर सकते हैं ब्राउन वाले भी। एंड कुछ इस तरीके से मैंने फिर उसे मस्कारा से कोट कर लिया है। कोई भी मस्कारा आप यूज़ करें, अगर आप लंबे फंक्शन में जा रहे हैं काफ़ी टाइम लगेगा वहाँ पर, तो आप वाटरप्रूफ मस्कारा यूज़ करें, बट आई एम यूजिंग दिस मेबलिन नॉर्मल मस्कारा। एंड नीचे वाले लैश लाइन पे मैंने उसे अच्छे से अप्लाई कर लिया है। उसके बाद मैं अपनी आईब्रोज फिल कर रही हूँ। आप यहाँ पे कोई डार्क ब्राउन या फिर डार्क ग्रे शेड लेकर अपनी आईब्रो के कलर के हिसाब से अपनी आईब्रोज को फिल कर सकते हो। जो आउटर कॉर्नर्स हैं उनको आपको डार्क रखना है, अंदर की तरफ थोड़ा लाइट ही रखें आईब्रो को। उसके बाद मैं थोड़ा सा हाईलाइटर लेके ब्राउ बोन पर लगा रही हूँ, जिससे एक अच्छा लुक आए, उभर के आए हमारा जो ब्राउ बोन वाला एरिया है, एंड एक थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट हो आईब्रो और ब्लैक स्मोकी आई के बीच में। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके बाद मैंने थोड़ा सा हाइलाइटर अपने इनर कॉर्नर्स में भी लगा लिया है फॉर दैट एक्स्ट्रा ब्राइटनेस, बिकॉज ये ज़रूरी है यहाँ पर क्योंकि हमने आंखों को बहुत ब्लैक कर दिया है, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब मैं डार्क ब्राउन शेड लेकर अपने अंडर आई एरिया में उसको अप्लाई स्मज कर रही हूँ। बहुत हल्का हल्का सा स्मज करना है, ज़्यादा नहीं, उसे आप डैब डैब करके लगा भी सकते हो तो काफ़ी क्लीन लुक आता है। आई एम यूजिंग दिस स्टे क्वर्की काजल, मैंने लगा लिया ऑलरेडी। एंड स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ लिक्विड वाला, विच आई एब्सोल्यूटली लव। मैं अपनी हर वीडियो में आजकल इसी को यूज़ करती हूँ बिकॉज मुझे इसका ग्लो बहुत पसंद है, इट शाइन्स वेरी नाइसली, तो मुझे अच्छा लगता है ये। उसके बाद मैंने यहाँ पर इसे अच्छे से अप्लाई कर लिया अपने चीक्स वगैरह पे भी। एंड कॉन्टोर मैंने ज़्यादा किया नहीं है, बट मैं सोचती हूँ कि नोज़ पे हल्का सा कॉन्टोर करना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा लुक आएगा, डिफाइंड थोड़ा सा आँखों के साथ। थोड़ा सा मैंने इसको फिर चिन एरिया पर भी लगाया, थोड़ा सा अपने फोरहेड पे लगाया। एंड आई एम यूजिंग दिस 19 न्यू ट्विस्ट फ्रॉम लैक्मे, दिस इज़ अ मैट ब्राउन लिपस्टिक। अब इसका कलर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन बाद में मैंने जब अपनी आंखों से मैच करके देखा तो मुझे लगा कि थोड़ा सा ये ऑरेंज टोन पर जा रहा है, तो मैंने बाद में इसमें एक चीज़ एक ट्रिक की, अभी आपको बताऊँगी। बट पहले मैंने उसे अच्छे से अप्लाई किया अपने लिप्स के लाइन करते हुए अच्छे से। आप दो कोट लगाएं लिपस्टिक के, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। एंड उसके बाद मैंने हल्का सा ब्राउन आई शेडो लेकर, बहुत लाइट ब्राउन सा, उसे अपने होठों पर डैब कर लिया चारों तरफ, जिससे क्या हुआ कि इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन टोन पर चला गया एंड इट लुक्स बेटर नाउ। दैट इज़ द फिनिश्ड लुक। सो जैसे कि मैंने बताया ये भी विंटर गेट रेडी विद मी है, तो आज मैंने रेड कलर का हाई नेक पहना है, पेटीकोट पहना है, और आज मैं भी बहुत पुरानी साड़ी स्टाइल करने वाली हूँ विच इज़ अ वेरी शाइनी गोल्डन। इसमें बहुत सारे कलर्स हैं तो मैंने रेड ऑप्ट किया क्योंकि ज्वेलरी ज़्यादा उभर के आएगी रेड पर, तो हम इसे जल्दी से यहाँ पे प्लीट्स बना लेंगे। बाद में मैंने यहाँ पे पल्लू को सेट कर लिया है, पिन कर लिया है हाई नेक के पीछे, तो हमारा पल्लू ऑलमोस्ट सेट हो गया है। इसको मैंने प्रेस इसलिए नहीं किया क्योंकि काफ़ी पुरानी साड़ी और मुझे डर लग रहा था कि ख़राब ना हो जाए, एंड अभी कोई अवेलेबल भी नहीं था। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये गोल्डन कलर का नेकलेस पहना है हाई नेक को छुपाने के लिए, एक बड़ा सा चोकर नेकलेस आप पहन सकते हैं। उसके ऊपर से मैंने ये हरम सेट पहना है, थोड़े से लॉन्ग नेकलेस होते हैं, एंड दिस लुक्स वेरी प्रिटी विद द होल वाइब इज़ लुकिंग वेरी नाइस। मैं अगर जूड़ा बनाती तो भी अच्छा लगता, बट मुझे थोड़ा सा क्लमजी लग रहा था हाई नेक तो मैंने जूड़ा नहीं बनाया, बाल खुले रखे और इयररिंग्स पहन लिए। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। ये रेड के साथ मैंने कड़ा पहन लिया हाथ में टू गिव इट अ फिनिश्ड लुक क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था, एंड ये बिल्कुल साउथ इंडियन ज्वेलरी वाला एकदम टच आ रहा है एंड काफ़ी अच्छी लग रही है साड़ी। इट्स अ वेरी ओल्ड साड़ी, आई थिंक 10-15 साल पुरानी साड़ी है, ज़्यादा ही आई थिंक 20 साल पुरानी होगी, एंड इट लुक्स सुपर प्रिटी। मतलब ये मेकअप बहुत अच्छे से जा रहा है इस रेड हाई नेक के साथ, एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस। आप कमेंट्स में बताओ आपको ये लुक कैसा लगा, आप कोई और साड़ी भी पेयर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इस रेड हाई नेक के साथ एक अगर बनारसी रेड साड़ी पहनी जाए ना तो मज़ा आ जाएगा। सो दिस इज़ द लुक, दैट्स इट। प्लीज़ सब्सक्राइब, बाय।